और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ बहुत प्यारा और बहुत लाजवाब है, आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर यह अमल जो है आपके साथ पेश किया जा रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिन जिन लोगों को मैंने ये अमल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल में ज़रूर कामयाब हुए हैं। तो इस अमल का नजायज़ जो है आपने नहीं इस्तेमाल करना, अपने प्यारों को बुलाने के लिए या मियाँ बीवी भी अपने के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हत्ता के कोई दुश्मनी भी उतर आए उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। गलत इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस तरह मैं आपको बताऊंगी अगर आप वैसे करते हैं तो कभी भी आपको नुकसान भी नहीं होगा और अमल भी कामयाब होगा। अरूजे माँ, शब्बे जुमा, और जिसको आप मतलब के तलब करना चाहते हैं उसका नाम, ठीक है ना, और जिस मतलब के जो आपका नाम है और आपकी वालदा का नाम, और जिसको आप तलब करना चाहते हैं उसको और उसकी वालदा का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नमाज इशा का वक़्त हो, आयत करीमा आपने 900 मरतबा, आयत करीमा आपने 900 मरतबा तस्वर मतलूब के साथ आप पढ़ना है, और रुख रुख जो सा है अपने जिस सिमत में वो रहता हो उस तरफ आपने उसका रुख कर लेना है, ठीक है ना। और आप जाए नमाज पे बैठ जाएं और 2 नफल पढ़ने के बाद ये अमल करें और रुख जो सा है अपना मकान के दरवाजे की तरफ करें। अगर आपको कोई भी रुख नहीं पता तो फिर खाना काबा की तरफ रुख यानी बैतुल्ला की तरफ रुख करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अमल को इशा की नमाज के बाद पढ़ें तो बहुत मुजरब है, और अगर आप तहज्जुद के वक़्त तो क्या ही कहने, बहुत लाजवाब है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल भी करेंगे क्योंकि तहज्जुद के वक्त जो किया जाने वाला अमल होता है उसकी तो गारंटी होती है ना कि इंशाल्लाह वो जरूर जो है अपना असर रखता है। आपने आयत करीमे को 900 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, ये अमल है, ठीक है, आपने बस यही पढ़ना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आप 100 मरतबा पढ़ लो, 100 मरतबा जब आप पढ़ लो तो उसके बाद आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और जिसको आप तलब कर रहे हो, जिसको आप मुसख़्खर कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम आपने लेना है, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम, बाद में उसका नाम लेके फिर जो है दो, जैसे 100 का आपने पढ़ के ये दुआ की, उसके बाद जो सा आपने 200 दफा पढ़ने के बाद फिर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लेके दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप देखिएगा कि जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप चाहत रखते हैं, वो फौरन हाजिर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अमल हम आपके लिए करें तो आप हमारे पास भी अपना नाम सेंड कर सकते हैं, हम आपका इस्तखारा करके इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। और कोशिश करें मेल पे रब्ता करें, और कहीं पर भी हम, जाहिर है मैं आपको नहीं मिलूंगी, आपको सिर्फ मेल पर मैं मिलूंगी, आप मेल पे मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। नंबर 2, एक बात याद रखें, अमल का नजायज इस्तेमाल नहीं करें। आपको कोई मसला है, जादू जिन्नात या फिर असेब या किसी किस्म का, घर के ऊपर जादू का, खून के छट्टों का, और या फिर किसी भी किस्म का, काले इलम का, सफले इलम का, किसी भी किस्म का जादू है आपके घर पर है, या कोई कारोबार बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, किसी का कोई काम रुक गया है, किसी किस्म की भी परेशानी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी है, तो ज़रूर मुझसे राबता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी भरपूर मदद करूँगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।